हेलो आई एम रुकमणी शर्मा एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स एनसीआर टी सोल्यूशंस ऑफ द लेसन की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट्स ए कम्प्लीट स्टडी फॉर सक्सेस सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो हाउ वुड माया लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे आज के साउथ अफ्रीका में माया का लाइफ कैसे डिफरेंट होगा माया लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टूडे इन द फॉलोइंग मैनर्स शी कैन यूज रोड्स बसेज एंड रेलवे ट्रेन एज अदर्स डू विदाउट एनी डिस्क्रमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव पक्षपात वो बिना किसी पक्षपात के दूसरों की तरह से रोड्स बसेज रेलवे ट्रेन यूज़ कर सकती है शी कैन अटेंड होटल्स एंड रेस्टोर वह रेस्टोरों और होटल्स अटेंड कर सकती है वहाँ जा सकती है शी कैन यूज़ हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेज एट दस डू जैसे कि दूसरे करते हैं उनकी तरह से हॉस्पिटल एम्बुलेंस को यूज़ कर सकती है शी कैन वॉक इन दार्क फ्रीली वो फ्री होके किसी भी पार्क में वॉक कर सकती है शी हैज नो फियर ऑफ पुलिस उसे पुलिस का डर नहीं है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कि लोग गवर्नमेंट की प्रोसेस में हिस्सेदारी करते हैं पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू फॉलोइंग वेरियस वेज या नीचे हमने वो तरीके लिखे हैं जिन तरीकों से लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नंबर वन क्या है बाई टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पहला तो ये है कि गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरेस्ट लें आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन वेरियस अनपॉपुलर इशूज़ जो अनपॉपुलर इशूज़ हैं अनपॉपुलर से मतलब जिन्हें कोई पसंद नहीं करता है केवल कुछ ही लोग पसंद करते हैं ऐसे इश्यूज़ को ऐसे मैटर्स को uh, वो लोग क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट की आलोचना करें क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है आलोचना करना उसकी अगर बुरा है तो बुरा कहना बाय टेकिंग आउट रैली जब कोई बात अच्छी ना लगे तो रैली निकाल के अपनी बात को कह सकते हैं बाय होल्डिंग सिग्नेचर कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन बताया था ना कि एक पेपर पे अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो आप उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट को फिर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह को तो इसका मतलब ये होता है कि इतने सारे लोग जिन्होंने साइन किए हैं वो इस बात के पक्ष में हैं या विपक्ष में है अगेंस्ट में या फेवर में तो सिग्नेचर कैंपेन करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय अपोजिंग वेरियस अनपॉपुलर रेजोल्यूशन रिजोल्यूशन बिल्स इशूज इन स्टेट लैजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट थ्रू देयर रिप्रजेंटेटिवस अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यानी कि जो उन्होंने लीडर्स को इलेक्ट किया है उनसे या तो पार्लियामेंट में या जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है तो स्टेट में लजस्लेचर अस, लेजिस्टिव असेंबली होती है तो वहाँ इन सारे मैटर इशू का मतलब होता है मैटर बिल ये बिल का मतलब दूध वाले का बिल नहीं है बिल से मतलब है पार्लियामेंट जब किसी रूल uh, को पास करती है तो वो पास किया हुआ जो रूल होता है उसे फिर हम बिल बोलते हैं कि बिल पास हो गया कोई भी जो रिजोल्यूशन है उनका विरोध करके थर्ड क्वेश्चन वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एनी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी झगड़े या जो भी विवाद है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डिस्प्यूट मैंने होता है झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद या संघर्ष विवाद और डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा ये की वर्ड्स आपको पता होने चाहिए वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स एंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है कि गवर्नमेंट उनका कोई सोल्यूशन निकाले तो यहाँ पर लिखे हैं कब जरूरत होती है डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ब्लॉक द वेज टू प्रोग्रेस क्योंकि जब झगड़े होते हैं डिस्प्यूट होते हैं तो उसे प्रोग्रेस का रास्ता बंद हो जाता है उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट कोई रास्ता निकाले दे ऑफन टर्न वायलेंट एंड कॉज डैमेज डैमेज का मतलब होता है नुकसान हानि और वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसा मार धाड़ करना टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ़ द पीपल क्योंकि इस प्रकार के झगड़े फसाद एक तो वॉयलेंट हो जाते हैं लोग दूसरों को मारते पीटते हैं जैसे अब देखते हैं हम न्यूज़ में कि पत्थरबाजी करते हैं और प्रॉपर्टी का जैसे अभी आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लोगों ने ट्रेन जला दी तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का आ, को डैमेज करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू कंपनसेट कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति पूर्ति करना यानी कि नुकसान की भरपाई करना क्षतिपूर्ति कहते हैं उसको पूर्ति करना यानी कि कुछ भी क्षति हुई है हानि हुई है उसको पूरा करने के लिए पैसा देना उसे कहते हैं कंपनसेट गवर्नमेंट टू कंपनसेट पीपल हु आर किल्ड लोगों को गवर्नमेंट को उन लोगों की के लिए क्षतिपूर्ति की भरपाई करनी होती है जो मारे जाते हैं घायल हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ आर डिस्ट्रॉयड इन वॉलेंट इंसीडेंट जिनकी प्रॉपर्टी वॉलेंट इंसिडेंट्स में डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है डिस्ट्रॉय का मतलब होना होता है नष्ट हो जाना करोड़ों रुपीज़ स्पेंट ऑन कमिटीज एंड कमीशंस जब कमेटी बनती हैं कमीशन बनते हैं तो उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन पैसों को बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट सोल्यूशन निकाल ले तो वहाँ खर्चा नहीं होगा देंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डाइवर्टेड टूवर्ड्स वेलफेयर मेजर्स अगर गवर्नमेंट झगड़े फसाद वो नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का ध्यान वेलफेयर वेलफेयर का मतलब होता है भलाई अच्छाई के लिए लोगों की भलाई के लिए कुछ कदम उठा सकती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एक्शन डू द गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर ये श्योर sure करने के लिए दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली कि सारे लो, लोगों के साथ इक्वल तरीके से बिहेव किया जाए गवर्नमेंट क्या मेजर्स uh, क्या एक्शन लेती है द गवर्नमेंट एंश्योर गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर अप्लाइड इन द कंट्री कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाए गए हैं वो कंट्री में अप्लाई हो लागू हो अप्लाई का मतलब है लागू होना इट मेक लॉज एंड एनफोर्सिस दैम टू एबोलिश ऑल शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सभी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना यानी कि खत्म करना एंड आप कह सकते हैं एंड ख़त्म करने के लिए और नियमों को लागू करने के लिए खत्म करने के लिए लॉ बनाती है और उन्हें लागू करवाती है इट मेक प्रोविज़न टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज़ टू ऑल क्लासेज पीपल सभी प्रकार के लोगों को इक्वल फैसिलिटीज सुविधा देने के लिए फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सुविधा सुविधा देने के लिए और एजु गर्ल्स में एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए और जो इकोनॉमिकली जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है बैकवर्ड है उनके उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है दीज आर सम ऑफ एक्शंस ये कुछ एक्शंस हैं दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एंश्योर इक्वलिटी अमंग पीपल जो कि गवर्नमेंट उठाती है कर लेती है एक्शन कि ताकि लोगों में इक्वलिटी रहे समानता रहे नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम की आइडियाज ऑफ़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आइडियाज़ क्या हैं की एलिमेंट्स क्या हैं ये लेसन पढ़ के जानिए और उनके लिस्ट बनाइए यहाँ पर लिख इक्वलिटी एंड जस्टिस समानता हो न्याय हो जस्टिस का मतलब होता है न्याय बैन ऑन अनटचेबिलिटी। बैन का मतलब होता है रोक लगा देना अनटचेबिलिटी छुआछूत पे रोक होनी चाहिए नॉ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड जेंडर जाति धर्म और कि ये लड़का है ये लड़की है लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल और लड़के लड़कियाँ इक्वल हों नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी किसी के प्रति भी कोई भेदभाव ना हो अब ये एम हैं मतलब चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपने किए हैं ये और जो बेस्ट आंसर होता है उसको आपको टिक करना होता है तो चलिए शुरू करते हैं हैक्टर एंड इस क्लास में वॉन्टेड लर्न देयर ओन लैंग्वेज हैक्टर और उसके क्लास में अपनी भाषा को सीखना चाहते थे वॉट वेयर लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज कौन सी थी जुलू द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉल जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थे उसके लीडर कौन थे नेल्सन मंडेला इन इंडिया द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट कितने समय के लिए चुनी जाती है फाइव ईयर्स के लिए चुनी जाती है फाइव ईयर्स के बाद फिर इलेक्शन होते हैं द टू स्टेट्स इन्वोल्ड इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स आर कावेरी रिवर की पानी के बंटवारे को लेकर उसके डिस्प्यूट में जो दो स्टेट इन्वोल्व हैं वो है कर्नाटका और तमिलनाडु साउथ अफ्रीका बीके में डेमोक्रेटिक कंट्री इन द ईयर 1994 में साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया अब यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स हैं चलिए इन्हें देखते हैं हम इन साउथ अफ्रीका देयर लिव ब्लैक पीपल वाइट एंड इंडियंस साउथ अफ्रीका में तीन तरह के लोग रहते हैं ब्लैक पीपल रहते हैं जो कि वहाँ के ही हैं वाइट पीपल जो वहाँ के बस गए इंडियन जो कि वहाँ लेबर के रूप में मजदूर के रूप में गए ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर्ड नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स जो ब्लैक और कलर्ड लोग थे उन्हें वाइट के इक्वल नहीं माना जाता था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लैड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार थीड अपार्थीड वर्ड को बोलना सीख लीजिए और इसका मतलब होता है कि जाति के आधार पर पक्षपात करना या जाति से मतलब वो नहीं होता कि ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है यहाँ जाति से मतलब होता है कि आप वाइट हैं या ब्लैक हैं या आपका कौन सी कल्चर को बिलोंग करते हैं द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थिड के अगेंस्ट संघर्ष का नेतृत्व किया थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन इलेक्शन में वोट डालकर पीपल इलेक्ट लीडर टू प्रजेंट दैम लोग अपने नेता को चुनते हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी तरफ से वो जाके बात कहेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन के लीड टू कॉन्फ्लिक का मतलब जुलूस। आपने देखा होगा जुलूस या शोभा यात्राएं है निकलती हैं तो सेलिब्रेशन से कभी कभी विवाद हो जाता है झगड़ा हो जाता है अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे नॉन वाइट्स कुर वोट इन साउथ अफ्रीका बिफोर नाइनटीन जो वाइट नहीं थे यहाँ नॉन वाइट्स को देख लीजिए वो 1994 से वोट डाल सकते थे नहीं डाल सकते थे क्योंकि यही तो, तो चक्कर था कि उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था गवर्नमेंट में तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला 1994 में जब अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इट वॉज़ द एफर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला ये नेल्सन मंडेला का एफर्ट एफर्ट का मतलब होता है प्रयास ये नेल्सन मंडेला का प्रयास था दैट मेड साउथ अफ्रीका ए डेमोक्रेटिक कंट्री के साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया यस yes, ये बिल्कुल सही है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस डिफरेंसेस का मतलब होता है आ, अंतर फर्क जो फ़र्क होता है ना एक दूसरे में उसे डिफरेंस कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट विवाद झगड़े आर रिजोल्व बाय लॉज लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ बनाए गए हैं उनसे झगड़ों को और जो भी हमारे में मतभेद हैं उन्हें हमें सोल्व करना चाहिए उन्हें हल करना चाहिए आप डिफरेंसेस uh, की जगह शुद्ध भाषा में मतभेद यानी कि राय का अलग होना इसको याद करें द अपारथिड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वह जेबोलि दर नाइनटीन नाइन्टी अपारथिर सिस्टम साउथ अफ्रीका में नाइनटीन नाइन्टी में समाप्त कर दिया गया तो नहीं वो 1994 में हुआ जब वो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इनमर सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वैल्यूड इक्वली हमारी सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल माना जाता है नहीं बॉयज़ को ज़्यादा बेटर माना जाता है और गर्ल्स को नहीं माना जाता अब यहाँ पर ये मैचिंग है कॉलम की अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का है सी Uh, किसने खत्म किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेकेंड है इक्वलिटी एंड जस्टिस इसका कौन से ई यानी कि ये की एलिमेंट्स हैं किसके डेमोक्रेसी के अफ्रिकान्स ये क्या था इसका है डी ये अफ्रीकांस लैंग्वेज थी वाइट्स की हैक्टर कौन था ब्लैक था पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट दैम लोग आ, अपने नेता का चुनाव करते हैं आ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं वोटिंग के द्वारा करते हैं अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नेम द वेरियस रेसिस दैट लिव इन साउथ अफ्रीका उन वेरियस रेसिस के नाम बताओ जो साउथ अफ्रीका में रहती हैं वो हैं ब्लैक पीपल जो साउथ अफ्रीका के ही हैं वाइट जो वहाँ पर बसने के लिए आए यूरोपियन कंट्री से इंडियंस जो वहाँ मजदूरों के रूप में और ट्रेडर्स व्यापारियों के रूप में गए वट डू यू मीन बाई अपारथीड अपारथीड से क्या मतलब होता है अपारथीड मीनस सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेस ऑफ रेस रेस के आधार पर लोगों का अलग अलग बंटवारा ये अपारथीड कहलाता है नेम वन ब्लैक टाउनशिप एक ब्लैक लोगों की टाउनशिप का नाम बताइए सोवेटो यानी कि साउथ वेस्टर्न टाउनशिप हो वॉज हैक्टर हेक्टर कौन था हेक्टर नॉन वाइट था वॉट डिड ही वॉन्ट उसे क्या चाहिए था ही वॉन्टेड टू लर्न हीज ओन लैंग्वेज जुलू उसे अपनी भाषा जुलू सीखनी थी नेम द पार्टी दैट वोट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थी उस पार्टी का नाम बताइए जिसने अपार्थी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करी वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हु इज रेस्पांसिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्टिफरेंसिस कॉन्फ्लिक्टिफ्रेंसिस को सॉल्व करने के लिए कौन जिम्मेदार है द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जिम्मेदार है सारे झगड़े और मतभेदों को uh, हल करने के लिए वट इज़ द रोल ऑफ पुलिस वैन देर इज़ ए चांस ऑफ वॉयलेंस जब वॉयेंस का वॉयेंस कहते हैं हिंसा मार झाड़ का कोई लग रहा हो आ, कि हाँ ऐसा हो सकता है तो पुलिस का रोल क्या होता है द पुलिस मीट द रिप्रजेंटेटिवज पुलिस जो नेता होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे मिलती है टू रिजोल्व द इशू इशू का हल निकालने के लिए जो भी मैटर है उसका हल निकालने के लिए एंड ट्राई टू एंश्योर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है दैट वॉलेंस डज नॉट टेक प्लेस कि हिंसा ना हो

हाउ डज़ अवर सोसाइटी व्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारी सोसाइटी बॉयज एंड गर्ल्स को कैसे देखती है इन अवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में एक आम प्रवृत्ति है किसकी किस बात की टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चिल्ड्रन मोर देन द गर्ल चिल्ड्रन की गर्ल चिल्ड्रन के बजाय वो बॉय चिल्ड्रन की ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं ज़्यादा केयर करते हैं द सोसाइटी डज नॉट कीप बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द सेम लेवल इस प्रकार सोसाइटी बॉयज़ और गर्ल्स को सेम नहीं समझती है वॉट डज द गवर्नमेंट डू टू प्रमोट जस्टिस अमंग द गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स में न्याय लाने के लिए न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है द गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल प्रोविजन्स टू प्रमोट जस्टिस अमंग द गर्ल्स गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविज़न बनाए हैं लॉ बनाए हैं ताकि लड़कियों में न्याय हो उनको उसको बढ़ावा मिले इट में लोअर द स्कूल फीस फॉर गर्ल्स और इसे गर्ल्स के लिए स्कूल फीस भी कम करी है ताकि गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं। वो आर अपारथीड लॉज अपार्थिड लॉज क्या हैं साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न माई अपारथीड लॉज साउथ अफ्रीका में पहले जो शासन होता था गवर्नमेंट जो चलती थी वो अपारथिड लॉज के हिसाब से चलती थी साउथ अफ्रीकन पीपल व डिवाइडेड इन वाइट ब्लैक इंडियन एंड कलर्ड रेसेस और अफ्रीकन लोगों को बांट रखा था कई हिस्सों में वाइट थे ब्लैक थे इंडियन थे कलर्ड पीपल थे अकॉर्डिंग टू अपार्थि लॉज दीज रेसिज वर नाट अलाउड टू मिंगल विद दिज अदर मिंगल का मतलब होता है मिक्सअप होना आपके बुक में मिंगल वर्ड यूज़ हुआ है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सअप भी यूज़ कर सकते हैं पारथिज लॉज के अनुसार ये रेसेस के लोग आपस में एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो सकते थे टू लिव नियर ईच अदर एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं रह सकते थे और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज़ और एक जैसी फैसिलिटीज़ यूज़ भी नहीं कर सकते थे सबकी सेपरेट सेपरेट एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स स्कूल्स बसें सब अलग अलग थे सबके लिए वॉट हैपन टू हैक्टर एंड इज क्लासमेट्स हैक्टर और उसके क्लासमेट्स के साथ क्या हुआ वाई डिट ऐसा क्यों हुआ हैक्टर एंड इज क्लासमेट वर बींग फोर्स्ड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द वाइट्स हैक्टर और उसके दोस्तों को उसके क्लासमेट यानी क्लास में पढ़ने वाले अदर स्टूडेंट्स को जो वाइट्स की लैंग्वेज थी अफ्रीक उसे सीखने के लिए विवश किया जा रहा था बट दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज लेकिन वो तो अपनी भाषा जुलू Uh, सीखना चाहते थे एंड जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीक लैंग्वेज इन स्कूल अब हैक्टर ने और दूसरे क्लासमेट ने क्या किया कि वो स्कूल में प्रोटेस्ट हो रहा था विरोध हो रहा था उसमें शामिल हो गए कि उन्हें अफ्रीकानस लैंग्वेज ना पढ़ाई जाए द अफ्रीक साउथ अफ्रीकन पुलिस बिट अप द प्रोटेस्टर रूथ लेसली रूथ लेसली का मतलब होता है निर्म निर्ममता यानी कि क्रूअली प्रोटेस्टर्स को पीटा एंड शॉट एट द क्राउड और क्राउड पे भीड़ की तरफ फायरिंग कर दी गोलियां चला दी वन ऑफ द बुलेट्स किल्ड हैक्टर और एक गोली से हेक्टर की डेथ हो गई राइट ए शोर्ट नोट ऑन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल ये ऐसे लोगों का ग्रुप था विच लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड जिसने कि अपार्थीड सिस्टम के विरुद्ध संघर्ष किया डॉक्टर नेल्सन मंडेला वॉज ए लीडर डॉक्टर नेल्सन मंडेला उनके लीडर थे द स्ट्रगल गॉट इंटेंसिफाइड अंडर ही लीडरशिप उनकी लीडरशिप में ये स्ट्रगल बहुत जोर पकड़ गया ही फॉर द अपार्थी सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स उन्होंने कई सालों तक अपार्थी सिस्टम से संघर्ष किया फाइनली द सिस्टम वॉज एबोल्यूशन नाइनटीन नाइन्टी फोर और आखिर में नाइनटीन नाइन्टी फोर में ये सिस्टम खत्म कर दिया गया एबोल्यूशन का मतलब होता है एंड वॉज एंडेड एंड साउथ अफ्रीका भी कैम डेमोक्रेटिक कंट्री और साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसिजर्ड इक्वल जिसमें कि सभी रेसिज के लोग इक्वल थे हाउ डिज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गॉट लिमिटेड गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड कब हो जाती है कैसे हो जाती है द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गॉट्स बाय रेगुलर इलेक्शन कैसे एक तो अगर रेगुलर इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट की पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक चला जाएगा दूसरा आएगा इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन फाइव ईयर्स और इलेक्शन पाँच साल में एक बार होते हैं वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड एक बार इलेक्शन में जीत गए तो कोई भी गवर्नमेंट केवल बस उस पीरियड तक ही गवर्नमेंट में रह सकती है पावर में रह सकती है इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू विन पावर अगर वो चाहते हैं कि वो पावर में ही रहें यानी कि वो लीडर ही रहें दैन दे हैव टू रियक्टेड बाई द पीपल तो उन्हें दोबारा से लोगों के द्वारा चुने जाना जरूरी होता है दिस इज ए मोमेंट वैन पीपल कैन सेंस देर पावर इन ए डेमोक्रेसी जब इलेक्शन होते हैं तभी लोगों को डेमोक्रेसी की पावर का आभास होता है वैन डो कॉन्फ्लिक्ट कर वाद विवाद कब होते हैं वॉट हैपन्स आफ्टर वॉट उसके बाद क्या होता है कॉन्फ्रेंस ओकर वेन पीपल और डिफरेंट कल्चर रिलीजन्स रीजन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड डो नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर कोई भी झगड़े फसाद तब होते हैं जब अलग अलग कल्चर के अलग धर्मों के अलग एरिया के ये धर्म हैं और ये है एरिया क्षेत्र इकोनॉमिक बैकग्राउंड के यानी कोई रिच है या कोई पुअर है वो लोग आपस में नहीं एक दूसरे को पसंद करते या मिक्सअप नहीं होते और वेन समंग फील या उनमें से जब कुछ लोग ये फील करें दे आर बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कि उनके साथ तो पक्षपात हो रहा है तो तब झगड़ा हो जाता है दिस लीड टू फीयर इसे डर होता है पैदा टेंशन पैदा होती है अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया जो वहाँ पे दूसरे लोग रहने वाले होते हैं उनमें डर पैदा हो जाता है उनमें टेंशन हो जाता है अब लोग आंसर है क्वेश्चन हैं वन ऑफ द वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इज़ टू टेक इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करने का एक तरीका तो ये होता है कि गवर्नमेंट के वर्किंग में इंटरेस्ट हैं सब लोग टू क्रिटिसाइज इट वैन रिक्वायर जब जरूरी हो तो आलोचना भी करें यानी कि कमियाँ भी निकालें तो ये आप एग्जाम्पल दे के समझाइए इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन ये भागीदारी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है वी कैन प्रूव इट थ्रू एन एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ये बुक में दिया है आपको लेसन अगर आपने पहली वीडियो देखे रोज आपको याद होगा इन अगर टू थाउजेंड फाइव मैन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी कि टू थाउजेंड फाइव में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी uh, के रेट बढ़ा दिए कि ज़्यादा पैसा जो लोगों को पे करना पड़ता था आ, आ, वो पैसा और अधिक आ, बढ़ा दिया पीपल एक्सप्रेस देयर आर एट डिसअप्रूवल वेरी शार्पली डिसअप्रूवल का मतलब होता आस्ट भी रिजेक्ट कर देना और लोगों ने तुरंत ही इसको डिसअप्रूव कर दिया दे टू कैसे किया रैली निकाली ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सिग्नेचर कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन किया द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट डिसीजन गवर्नमेंट ने कोशिश तो करी कि उनका डिसीजन सही है बट फाइनली रिसन टू पीपल्स ओपिनियन लेकिन आखिरकार फाइनली आखिरकार एट लास्ट लोगों की राय ओपिनियन का मतलब होता है मत राय विचार लोगों के विचार को उन्हें मानना पड़ा सुनना पड़ा और जो इंक्रीज इंक्रीज का मतलब है बढ़ोतरी उसको विड्रो का मतलब होता है वापस ले लेना उसे वापस ले लिया द तो गवर्नमेंट है टू चेंज इट्स डिसीजन गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के प्रति जिम्मेदारी जिम्मेदार होती है उसकी अकाउंटेबल uh, होती है हाउ डू रिवर्स बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक बिटवीन स्टेट्स अब रिवर्स राज्यों के बीच में संघर्ष का कारण कैसे बनती हैं रिवर्स कैन ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स रिवर्स स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाती है ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट मान लो एक रिवर एक स्टेट में तो uh, शुरू होगी और दूसरे में बहकर एंड थर्ड में होगा तो पानी तो तीनों को चाहिए ना उसका शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि वाटर को रिवर वाटर को शेयर करना उन स्टेट्स में जिसमें से तो वो बह रही है ये कॉन्फ्लिक्ट का ये संघर्ष का विवाद का इशू बन जाता है मैटर बन जाता है वी कैन साइट एन एग्जाम्पल साइट का मतलब उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना यहाँ हमने एक एग्जाम्पल साइट किया है और वो है कावेरी आ, वाटर डिस्प्यूट ये किस किस के बीच में है कावेरी आप जानते हो रिवर का नाम है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में द वाटर इज स्टोर इन द कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका कर्नाटका में कृष्णा सागर डैम में वाटर स्टोर किया जाता है और फिर उसे यूज़ करते हैं इरीगेटिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के लिए एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलोर और जो बेंगलोर में रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द वाटर इज स्टोर इन मैथो डैम इन तमिलनाडु तमिलनाडु में कावेरी का वाटर मैथो डैम में स्टोर किया जाता है और इसे क्रोप्स उगाने के लिए यूज किया जाता है डेल्टा रीजन में अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है बिकॉज बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर दोनों डैम एक ही रिवर पे हैं द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु डाउन स्ट्रीम जब नदी नीचे बहके जा रही है डाउन से याद रखो नीचे वाला एरिया तमिलनाडु में जो डाउन स्ट्रीम डैम है वो तभी भर सकता है ना ये वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम जब ऊपर वाले स्टेट से जो कर्नाटका है वहां से पानी छोड़ा जाए रिलीज का मतलब छोड़ना पानी देर फॉर बोथ स्टेट्स कॉन्ट गेट एज मच वाटर एज ए नीड फॉर पीपल इन द स्टेट्स इसीलिए दोनों स्टेट को बराबर पानी नहीं मिल पाता दिल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इसे झगड़ा हो जाता है नाउ इट इज द जॉब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है टू स्टेप के वो आ, उसमें हस्ताक्षेप करे एन सी और ये देखे दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर का मतलब है बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा यानी कि डिवीजन बंटवारा कि दोनों स्टेट में कावेरी रिवर का पानी